हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए फ्रेंड, ये हमारा लेक्चर नंबर 87 है। इसके पहले जितने भी लेक्चर हम आपको चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल पर पढ़ चुके हैं, आप लोग वहां से जाकर लेक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप NTPC, ग्रुप डी, SSC, रेलवे, UPTET इन सभी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड देखिए, हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है कि 23 जनवरी 2022 को किस भारतीय फिल्म ने 20वां ढांका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में प्रथम पुरस्कार पाया है। तो फ्रेंड देखिए, 23 जनवरी 2022 को किस भारतीय फिल्म ने 20वां ढांका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में प्रथम पुरस्कार पाया है। तो वो कौन है? तो वो कुंजांगल फिल्म जो है वो 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में प्रथम पुरस्कार पाया है। अगला प्रश्न देखिए, मिताली एक्सप्रेस दोस्तों ये भारत बांग्लादेश के बीच चली। अगला प्रश्न देखिए कि प्रतिवर्ष राष्ट्र मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्र मतदाता दिवस ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की स्थापना दिवस थी, इसीलिए प्रतिवर्ष राष्ट्र मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? चुनावों को संगम बनाना। अगला प्रश्न देखिए कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। और भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये सुशील चंद्रा जी हैं। 21 से 18 एज जो वोट हुआ है हम लोगों का वोट देने का, वो 61वां अमेंडमेंट एक्ट है। अगला प्रश्न देखिए कि 21 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र में संबंधित मुख्य प्रदर्शन संकेत KPI साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो 21 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र से संबंधित मुख्य प्रदर्शन संकेतक KPI साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया? तो ये कोयला दर्पण पोर्टल स्टार्ट की गई है। और उससे रिलेटेड हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं कोयला से रिलेटेड, कि कोयले की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो एंथ्रासाइट कोयला है वो कोयला की सबसे अच्छी किस्म है। भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? तो ये जो बिटुमिनस कोयला है वो सबसे अधिक भारत में पाया जाता है। भारत का काला प्रदेश ये दामोदर नदी क्षेत्र में है। भारत का काला प्रदेश, विश्व का काला प्रदेश ये जर्मनी में है। अगला प्रश्न देखिए कि हाल ही में किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज के लिए भारत प्रणाली सर्वेक्षण जेड एस आई ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने का मांग किया है। तो हाल ही में किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज के लिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने का मांग किया है? तो ये मेघालय राज्य ने लिविंग रूट ब्रिज के लिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण JDSI ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने का मांग किया है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड कि यूनेस्को में शामिल भारत की 39वीं धरोहर कौन सी है? तो यूनेस्को में शामिल भारत की 39वीं धरोहर रामप्पा मंदिर है। हाल ही में किसने 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो फ्रेंड 9वीं राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप ये किसके द्वारा जीती गई? तो ये लद्दाख इसका विजेता है और उपविजेता चंडीगढ़ है। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI ने कोरोना वायरस के ओमिक्रोन संस्करण के परीक्षण के लिए कौन सी एक स्वदेशी किट विकसित की गई है? तो फ्रेंड CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा कोरोना वायरस के ओमिक्रोन संस्करण के परीक्षण के लिए ओम नामक स्वदेशी किट विकसित की गई। नीरी फ्रेंड कहाँ स्थित है? तो जो नीरी है वो नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए 23 जनवरी 2022 को आर नागरस्वामी का निधन हो गया 23 जनवरी 2022 को, ये किससे संबंधित है? तो ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्वविद। हाल ही में कौन सा राज्य AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो फ्रेंड हाल ही में कौन सा राज्य AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया? तो वो कर्नाटक राज्य है। आगे देखिए फ्रेंड, नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास किस संगठन से संबंधित है? तो नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास ये नाटो से संबंधित है। समुद्री साझेदारी अभ्यास ये भारत और जापान के बीच हुई समुद्री साझेदारी अभ्यास। अगला प्रश्न देखिए कि 26 जनवरी 2022 ये जो अब की बार हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, ये 73वां गणतंत्र दिवस है और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। देखिए फ्रेंड, जो हमारा संविधान है वो बनकर कब तैयार हुआ? तो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब 1949 में संविधान बनकर तैयार हो गया तो हमें क्यों 1950 में संविधान लागू करना पड़ा? तो फ्रेंड देखिए, जो
26 जनवरी है, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और हम लोग तो फ्रेंड देखिए जो 26 जनवरी 1930 था, हम लोगों ने पूर्ण स्वराज का मांग किया हम लोगों ने, और हम लोगों ने अपने भारत का झंडा गाड़ दिया और हम लोगों ने कहा कि हम लोग अब स्वतंत्र। लेकिन फ्रेंड जो अंग्रेज शासक थे वो ये नहीं मान रहे थे कि हम लोग स्वतंत्र हैं, वो कह रहे थे अभी तुम लोग अपना संविधान दो तब हम तुम्हें स्वतंत्र कहेंगे। और जब हम लोग 1947 में स्वतंत्र हो गए तो हम लोगों ने संविधान बनाया। और फ्रेंड 26 जनवरी 1930 से हम लोगों ने राष्ट्र स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। और जब 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने संविधान बनकर तैयार की तो हम लोग चाहते हुए उसी समय संविधान की पेशी कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने इस दिवस को मनाने के लिए मतलब ये हमारा स्वाधीनता दिवस ये नहीं मना पाते अगर ये संविधान दिवस इसी दिन मनाते, इसीलिए हम लोगों ने 2 महीने का वेट कर लिया। और 26 नवंबर को 26 जनवरी के दिन हम लोगों ने इस संविधान को लागू किया, जिससे हमारा स्वाधीनता दिवस भी बच गया और हम संविधान दिवस भी मना ले रहे हैं। देखिए फ्रेंड ये थोड़ा मैंने लिखा हुआ है कि क्योंकि 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज का मांग उठा, विश्व का नवीनतम गणतंत्र देश बारबाडोस है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब स्वीकार किया गया, तो राष्ट्रगान राष्ट्रगीत ये 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।